थीम। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण कुमार शर्मा, आई होप यू विल बी फाइन। एंड टूडे वी विल रिज्यूम द आवर लास्ट थीम, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, द मुगल कोर्ट्स बिटवीन 16th एंड 17th सेंचुरी। टॉपिक 1, मेंशन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को जो सूचनाएं कैसे प्राप्त होती थी। द कीपिंग ऑफ एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स वाज ए मेजर कंसर्न ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे जो सबसे बड़ा उनका जो विषय था या कि उनका एम था, वो था कि एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक और डिटेल्ड यानी विवरणात्मक सूचनाओं को प्राप्त करना। द मीर बख्शी सर सुपरवाइज द कॉर्प्स ऑफ कोर्ट राइटर्स। जितने भी कोर्ट राइटर्स के जो दल होते थे या टुकड़ियां होती थी, जिन्हें वाकिया नवीस कहते थे, उनको सुपरवाइज करता था। हु रिकॉर्डेड ऑल एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। जो जितने भी एप्लीकेशन आती थी, डॉक्यूमेंट होते थे, तो वे रिकॉर्ड करते थे एंड प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और दरबार में पेश करते थे। एंड ऑल इम्पीरियल ऑर्डर्स फरमान, और जितने भी इम्पीरियल ऑर्डर फरमान होते थे उनको भी रिकॉर्ड करते थे। इन एडिशन एजेंट्स मीन्स वकील ऑफ नोबल्स एंड रीजनल रूलर्स रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट अंडर द हेडिंग न्यूज फ्रॉम एग्जाल्टेड कोर्ट। यानी सर्वोच्च दरबार के सामने जितनी भी प्रोविंस की न्यूज़ होती थी, उनको सबको नोबल्स प्रेजेंट करते थे दरबार में। और इसे बोला जाता था अखबारात ए दरबार ए मुल्ला, अखबारात ए दरबार ए मुल्ला विद द डेट एंड टाइम। इसमें डेट और टाइम भी होता था ऑफ द कोर्ट सेशन, यानी कौन सा पहर, इसको बोला जाता था पहर, कोर्ट सेशन का कौन सा पहर है, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का, वो सारी चीज़ नहीं होता थी। और उससे संबंधित जितनी भी नई न्यूज़ आती थी वो दरबार के सामने पेश की जाती थी। द अखबारात कंटेंट ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें सारी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती थी, सच है, जैसे कि अटेंडेंस एट द कोर्ट, कोर्ट में कितनी उपस्थिति है, ग्रांट ऑफ ऑफिसेज एंड टाइटल्स, ऑफिसेज को कितनी अनुदान, कितना धन दिया गया है, टाइटल्स किसको उपाधि दी गई हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस कहाँ भेजे गए हैं, प्रेजेंट रिसीव्ड और द इंक्वायरीज मेड बाय द एम्परर। और इस प्रकार जो इंक्वायरीज, एम्परर भी इंक्वायरी करता था, पूछताछ करता था अपने हेल्थ ऑफ एन ऑफिसर, या कोई ऑफिसर बीमार है या कोई परेशानी है, तो अकबर भी लगातार मतलब उसका जो रूलर होता था मुगल रूलर, वो उसको उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन रखता था। दिस इन्फॉर्मेशन इज वैल्यूएबल, और ये बहुत ही वैल्यूएबल होती थी फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइव्स ऑफ किंग्स एंड नॉवेल्स। इस प्रकार किंग्स और नॉवेल्स की प्राइवेट लाइफ के बारे में लिखने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती थी, ये बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 2, डिस्क्राइब द पोस्टल सिस्टम अंडर मुगल रूल। डाक सेवा कैसी थी मुगल रूल में। न्यूज रिपोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी ऑफ द रीजन्स अंडर मुगल रूल बाय इम्पीरियल पोस्ट। यानी जो शाही डाक सेवा होती थी, उसके थ्रू न्यूज़ रिपोर्ट्स और जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे, वे लंबी दूरी तय करके प्रोविंस तक पहुँचते थे, या प्रोविंस से जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन तो होती थी वो मुगल दरबार तक पहुँचती थी। राउंड द क्लॉक रिलेज ऑफ फुट रनर्स, कासिद एंड पथमार कैरीड पेपर रोल्ड अप इन द बैम्बो कंटेनर्स। उस समय लगातार ऐसे रिले यानी दौड़ने वाले लोग होते थे, फुट रनर जो पैदल दौड़ते थे, उन्हें कासिद या पथमार बोला जाता था। ये एक बैम्बो पर पेपर लपेट कर और उसमें जितनी भी सूचनाएं उसकट्ठी कर वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक
जाते रहते थे और रैपिडली बहुत तेजी से इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते थे। द एम्परर रिसीव्ड रिपोर्ट्स फ्रॉम इवन डिस्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल्स, और यहाँ तक कि जो एम्परर होता था वो रिसीव करता था रिपोर्ट्स को फ्रॉम इवन डिस्टेंट प्रोविंशियल कैपिटल विद इन ए फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में जो प्रोविंशियल कैपिटल थी उससे कोई भी इंफॉर्मेशन थी वो एम्परर के पास पहुँच जाती थी। एजेंट्स ऑफ नोबल्स पोस्टेड आउटसाइड द कैपिटल एंड राजपूत प्रिंस एंड ट्राइब्यूटरी रूलर्स आर एसिड्यूसली कॉपीड दीज अनाउंसमेंट एंड सेंट देयर कंटेंट्स बाय द मैसेंजर बैक टू देयर मास्टर। इस प्रकार जितने भी नोबल्स जो होते थे, नोबल्स के जो एजेंट होते थे वो कैपिटल से दूर जितने भी प्रोविंशियल सेंटर्स होते वहाँ रहते थे और वे लगातार उनमें साथ में ही जो राजपूत प्रिंस होते थे या कुछ ऐसे जो ट्राइब्यूटरी रूलर्स होते थे यानी जो राजा को लगातार धन देते थे और उसकी आधीनता स्वीकार करते थे, ये लोग बड़े परिश्रम से जितने भी नई इंफॉर्मेशन होती थी उनको अनाउंस होती थी उनको कॉपीज कराते थे और तुरंत मैसेंजर के द्वारा अपने मास्टर यानी एम्परर के पास भेजते रहते थे। द एम्पायर वाज कनेक्टेड बाय ए सरप्राइजिंगली रैपिड इंफॉर्मेशन लूप फॉर द पब्लिक न्यूज़। इस प्रकार एम्पायर जो कनेक्टेड था सरप्राइजिंगली आश्चर्यचकित कर देने वाले, हैरत में डालने वाले रैपिड इंफॉर्मेशन जो चक्र था या लूप था या फंदा था उसको पब्लिक न्यूज़ यानी जनता के बीच की जितनी न्यूज़ थी और जो नई डेवलपमेंट्स या हैपनिंग होती थी वो तुरंत एम्पायर को और एम्परर के पास पहुंचा दी जाती थी। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक 3 डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस सूबाज ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, यानी उस समय प्रोविंसेस को जैसे अब हम प्रदेश बोलते हैं या स्टेट बोलते हैं उस समय बोला जाता था सूबाज। द डिवीजन ऑफ फंक्शंस एस्टेब्लिश्ड एट सेंटर वाज रेप्लिकेटेड इन द प्रोविंस सूबाज, जो डिवीजन ऑफ फंक्शन था इससे स्थापित होता था जैसे सेंटर में था तो उसी को उसी की तरह प्रोविंसेस यानी सूबाज में भी उसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। वेयर द मिनिस्टर्स हैड देयर कॉरस्पॉन्डिंग सबोर्डिनेट, जहाँ मिनिस्टर के पास अपने अधीनस्थ कर्मचारी होते थे जैसे कि दीवान, बक्सी या सदर। द हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, जो हेड ऑफ द प्रोविंस होता था वो होता था गवर्नर ऑफ द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर यानी सूबेदार, उसे बोला जाता था हेड ऑफ द गवर्नर को उस समय सूबेदार, हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर, और जो कोई भी नई घटना होती थी या कोई भी नया डेवलपमेंट होता था या पॉलिटिकल होती थी या कोई भी वार बैटल या युद्ध होती थी उसके बारे में वो तुरंत एम्परर को रिपोर्ट करता था। द सरकार्स इनटू विच ईच सूबा वाज डिवाइडेड, यानी उसके बाद जो सरकार होती थी उसका वो सूबे को डिवाइड करके सरकार बनाई जाती थी, ऑफन ओवरलैप्ड विद द ज्यूरिडिक्शन ऑफ फौजदार कमांडेंट, और वहाँ जो उसका जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता था जो कि जिसका न्याय क्षेत्र होता था उसे बोलते थे फौजदार या इंग्लिश में इसका नेम है कमांडेंट। हुवर डेप्लॉयड, जो नियुक्त करता था विद कंटिंजेंट्स ऑफ हैवी कैवलरी, यानी इसके पास हैवी कैवलरी यानी बहुत बड़ी घुड़सवार सेना होती थी और साथ में ही हर डिस्ट्रिक्ट में मस्किटियर्स मींस एंड मस्किटियर्स इन डिस्ट्रिक्ट, मस्किटियर माने बंदूकधारी सिपाही नियुक्त किया जाते थे और कंटिंजेंट्स का मतलब होता है आकस्मिक रूप से, यानी अगर अचानक जरूरत पड़े तो हैवी कैवलरी फौजदार के पास होती थी और वहाँ वो कोई कहीं भी इसको डिप्लॉयड या नियुक्त कर सकता था, भेज सकता था। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर एट द लेवल ऑफ परगना, इसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था यानी सरकार को जो डिवाइड किया गया था वो परगनाज में, इसे सब डिस्ट्रिक्ट भी बोलते थे, बाय 3 सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर, और उसमें भी जो सेमी हेरिडिटरी यानी अर्ध अनुवांशिक जो अधिकारी होते थे।
द कानून को मीन्स कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कानून को, चौधरी इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड काजी, इसमें तीन होते थे, एक तो कानून को उसका वर्क था कि कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड के जितने दस्तावेज हैं उनको तैयार करना रखना, चौधरी होता था इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज, और तीसरा होता था काजी यानी जज। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक फोर, व्हाई डिड कंधार ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सफाविद रूलर ऑफ ईरान एंड मुगल्स, यानी जो कंधार जो प्लेस है जो इस समय अफगानिस्तान में है वो मुगल और ईरान के बीच में के जो रूलर थे इनके बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन माने झगड़े की जड़ या एक डिस्प्यूटेड लैंड्स कैसे बन गया। द फोर्ट्रेस टाउन हैड इनिशियली बीन इन द पोजिशन ऑफ हुमायूं, हुमायूं के पोजिशन में ही था ये फोर्ट्रेस टाउन किलानुमा नगर, रिकनक्वर्ड इन 1595 बाई अकबर, अकबर ने इसको इस पर दोबारा से 1595 में उसको ऑक्यूपाइड कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। वाहिल सफाविद कोर्ट रिटेन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द मुगल्स, जबकि सफाविद कोर्ट के मुगल्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, कूटनीतिक संबंध थे। इट कंटेंट टू स्ट्राइक क्लेम स्टेक क्लेम्स टू कंधार, लेकिन फिर भी जो ईरान के जो सफाविद रूलर थे शासक थे वो कंधार पर अपना दावा लगातार करते रहते थे। इन 1613 में जहांगीर सेंट ए डिप्लोमेटिक एनवॉय टू द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास, उस समय 1613 में इंडिया के रूलर थे मुगल रूलर जहांगीर और ईरान के थे शाह अब्बास, उन्होंने जहांगीर ने अपना एक डिप्लोमेटिक एनवॉय यानी एक कूटनीतिक संदेशवाहक को ईरान के कोर्ट में भेजा जिससे कि वो प्लीड कर सके, प्लीड माने मुकदमे की पैरवी कर सके, द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कंधार बट मिसिंग फील्ड, यानी उसमें उसने ये आके ये तर्क दिए लॉजिक दिए क्योंकि कंधार वाज द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर सिंस द हुमायूं टाइम्स बट मिशन फेल्ड, लेकिन मिशन फेल हो गया। इन विंटर ऑफ 1622 पर्शियन आर्मी बिसीज्ड कंधार, 1622 में पर्शियन आर्मी ने कंधार पर कब्जा कर लिया। द इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसन, भारत की जो इंडियन जो मुगल जो सेना थी या फोर्स थी वो बहुत ही मिस मैनेज थी, इल प्रिपेयर्ड थी, उसकी कोई तैयारी नहीं थी लड़ाई करने की, वाज डिफीटेड वो हार गई एंड हैड टू सरेंडर द फोर्ट्रेस एंड द सिटी टू द सफाविद, इस प्रकार सफाविद रूलर्स को उनको उन्होंने सरेंडर कर दिया, उस प्रकार कंधार ईरान के ऑक्यूपेशन में चला गया। द ईरानियन आर्मी, सफाविद मीन्स ईरानियन आर्मी। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक फाइव, मेंशन द फीचर्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोमन्स एंड मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर और ऑटोमन्स में कैसे रिलेशन थे, इट इज ए लॉन्ग क्वेश्चन। द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड ऑटोमन्स वाज मार्क्ड बाय द कंसर्न ऑफ एंश्योर फ्री मूवमेंट्स फॉर मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स इन द टेरिटरीज अंडर ऑटोमन कंट्रोल, इसका जो सबसे बड़ा कंसर्न था मुख्य विषय ये था कि जो कि इंडियन मर्चेंट और पिलग्रिम्स जो कि ओटोमन एम्पायर के क्षेत्र में जाते थे वो लगातार वो फ्री मूवमेंट स्वतंत्र आगमन रहे और व्यापार में भी कोई हिंड्रेंस या बाधा ना आए। दिस वाज स्पेशली ट्रू फॉर द हिजाज, और हिजाज के लिए भी ये बहुत सच था, दैट पार्ट ऑफ ओटोमन अरेबिया वेयर द इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ मक्का एंड मदीना वर लोकेटेड, यानी हिजाज कौन सा पार्ट था जिसमें कि वो ओटोमन अरेबिया था जो इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें कि जो 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 कि इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर थे तीर्थयात्रा के केंद्र थे मुस्लिम के लिए, मक्का और मदीना भी उस क्षेत्र में थे। द मुगल एम्परर यूजुअली कंबाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स By exporting valuable merchandise to Adan and Mocha. इस प्रकार मुगल एम्परर क्या करते थे वो रिलीजन धर्म और व्यापार को मिला देते थे और इस प्रकार
अपनी इंडिया से हमारे यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होता था वैल्यूबल मर्चेंडाइज व्यापारी सामानों का अदन और मोखा पोर्ट के थ्रू। बोथ रेड सी पोर्ट्स, दोनों जो रेड सी पोर्ट था लाल सागर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स और जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था वितरण होता था प्रोसीड्स माने आगे भेजने का सामान का ऑफ द सेल्स इन चैरिटी, यानी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी इंडिया से जो कि वहाँ दान के लिए जाती थी टू द कीप श्राइन्स यानी श्राइन्स में कीपर्स ऑफ श्राइन यानी जो श्राइन या धार्मिक स्थल थे अरब के मक्का मदीना वहाँ थे। यहाँ से इंडिया से जो ये रूलर थे हमारे मुगल रूलर वहाँ बहुत सारी चैरिटी या दान की वस्तुएं भेजते थे और मनी भी भेजते थे एंड रिलीजियस मैन देयर और जिससे कि वहाँ के जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो उनको मिल जाए। हावेवर वहन औरंगजेब डिस्कवर्ड केसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड सेंड टू अरेबिया, लेकिन औरंगजेब को ये पता पड़ गया, उसने ये डिस्कवर कर लिया कि जितना भी फंड जाता है या जितनी भी मर्चेंडाइज वस्तुएं जाती हैं उनका गबन हो रहा है वहाँ जाके, यानी जो सही जो रिलीजियस प्लेस पर नहीं पहुँच पा रही है और रिलीजियस पर्सन तक नहीं पहुँच पा रही है। ही फेवर्ड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, तो वो उसने इनकार कर दिया औरंगजेब ने इन्हें मक्का मदीना भेजने के लिए क्योंकि वो उसने कहा कि इसको हम इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। विच द ही थॉट, उसने सोचा वाज ए मच ए हाउस ऑफ गॉड मक्का, उसने कहा कि इससे तो अच्छा यही है कि भगवान का घर मक्का है लेकिन हमारा घर हिंदुस्तान है इसलिए हम इसको यहीं डिस्ट्रीब्यूट कराएं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 7, हाउ डिड यूरोपियन रिसीव नॉलेज अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में उन्होंने नॉलेज कैसे मिली। यूरोप रिसीव्ड नॉलेज ऑफ इंडिया द अकाउंट्स ऑफ जेसुट मिशनरीज ट्रेवलर्स मर्चेंट्स एंड डिप्लोमेट्स, यानी जो इंडिया के बारे में उन्हें जानकारी मिली वो थे जेसुइट्स मिशनरीज, जीसस का प्रचार करने वाले अभी मिशनरीज जो बाहर इंडिया में आते थे ट्रेवलर्स के रूप में, मर्चेंट्स के एंड डिप्लोमेट्स यानी कूटनीतिज्ञ के रूप में। द जेसुइट अकाउंट्स आर द अर्लीस्ट इम्प्रेशंस ऑफ मुगल कोर्ट एवर रिकॉर्डेड बाय यूरोपियन राइटर्स, और यूरोपियन राइटर्स को सबसे अधिक जो सूचनाएं मिली वो जेसुइट अकाउंट्स यानी जेसुइट्स जो मिशनरीज थे प्रीस्ट थे उन्होंने अकाउंट लिखे विवरण लिखे हिस्ट्री लिखी और उसके बारे में फिर दूसरे यूरोपियन राइटर्स ने भी इसके बारे में लिखा। टॉपिक 10, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ जेसुइट्स, जेसुइट्स का मेन एम क्या था। जेसुइट्स मीन्स सोसाइटी ऑफ जीसस। फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया एट द एंड ऑफ 15th century में जो है इंडिया के लिए सीधा डायरेक्ट रूट मिल गया क्योंकि जैसा आप जानते हैं 1498 में पुर्तगीज ट्रेवलर वास्को डिगामा इंडिया में आ गया था 1498 में और प्रकार यूरोपियन लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया। पुर्तगीज मर्चेंट्स एस्टेब्लिश्ड ए नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग स्टेशंस इन द कोस्टल सिटी, इन्होंने क्या किया पुर्तगीज मर्चेंट्स ने ये भारत में आए और उन्होंने जो कोस्टल सिटीज थे सूरत की तरह गोवा की तरह और कालीकट की तरह उन्होंने उनमें अपने ट्रेडिंग स्टेशंस स्थापित कर दिए। द पोर्तुगीज किंग वाज आल्सो इंटरेस्टेड, और ये इंटरेस्टेड थे इन द प्रोपेगेशन प्रचार ऑफ क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ मिशनरीज ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस, यानी जेसुइट्स प्रीस्ट को भेजा ही इसलिए जा रहा था कि वे वो जाकर इंडिया में प्रोपोगेशन करें प्रचार करें क्रिश्चियनिटी का। द क्रिश्चियन मिशनरीज मिशंस टू इंडिया ड्यूरिंग द 16th century वर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग, और इसका उनको इसलिए भेजा गया कि ये इंडिया में आकर ट्रेड व्यापार के लिए और एम्पायर बिल्डिंग के लिए भी हेल्प करें। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक ही टॉपिक 9, राइट द नेम ऑफ टू कोर्ट पेंटर्स ड्यूरिंग जहांगीर रूलर जहांगीर के दौरान दो फेम्स पेंटर के नेम्स आप लिखिए, पहले हैं अब्दुल हसन और सेकंड है बिशन दास। टॉपिक 10, हु वाज
मॉन्सरेट, मॉन्सरेट कौन थे, मॉन्सरेट वाज द मेंबर ऑफ फर्स्ट जेस, मेंबर ऑफ फर्स्ट जेसुइट मिशंस इन मुगल कोर्ट, यानी पहला जो मिशन जेसुइट मिशन आया था 1680 में मुगल कोर्ट में, उसके वे एक मेंबर थे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 11, राइट ए नोट ऑन अकबर्स क्यूरियोसिटी टुवर्ड क्रिश्चियनिटी, यानी अकबर की जो उत्सुकता थी क्रिश्चियनिटी के बारे लिए, उसके बारे में आप एक नोट लिखिए। अकबर वाज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच्ड एन एम्बेसी टू गोवा टू इनवाइट जेसुइट प्रीस्ट, वो इतना इंटरेस्टेड था कि उसने गोवा में अपना एक राजदूतों का दल या ग्रुप भेजा जिससे, और इनवाइट किया जेसुइट प्रीस्ट को आगरा के में फतेहपुर सीकरी में आने के लिए उनको इनवाइट किया। द फर्स्ट जेसुइट मिशन रीच्ड द मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सीकरी इन 1580 में आ गया था। सबसे पहला जो मिशन था जेसुइट मिशन केम टू इन फतेहपुर सीकरी इन 1580 एंड स्टेड फॉर अबाउट 2 years, और दो 2 year तक उसको इन्हें स्टे किया। द जेसुइट स्पोक टू अकबर अबाउट, और जेसुइट जो क्या करते थे, अकबर को काफ़ी बातें बताते थे अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिबेटेड इट्स वर्च्यूज अबाउट उलेमा, और जो उलेमा थे जो जो मुस्लिम स्कॉलर थे उनके बारे में भी, इसके बारे में डिबेट या वाद विवाद करते थे। टू मोर मिशन वर सेंट टू मुगल कोर्ट, और मुगल कोर्ट में दो और मिशन आए एट द लाहौर इन 1591 एंड 1595 में, लाहौर में दो मिशन और आए थे। स्टूडेंट्स दीज आर 11 क्वेश्चंस विद आंसर्स, प्लीज राइट दीज क्वेश्चंस विद आंसर ऑन योर नोटबुक। थैंक यू।